एक बहुत अच्छी सुध ली है बिहार सरकार ने श्रमिकों के लिए, क्या है वो, कितने कितने की राशि कितने मजदूरों को दे रहे हैं और किस रूप में दे रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या सोच है? असल में चिकित्सा सहायता कोष हम लोग देते रहे हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने दिया था, पिछले 2 वर्षों से। इस बार हमने तुरंत त्वरित निर्णय लिया, जो 2021 का जो ये पैसा था, चूँकि कोरोना महामारी एकदम से काफ़ी तेज़ी में फैला, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड श्रमिक हैं 28 फरवरी तक जितने लोग हमारे यहाँ निबंधन करा लिए थे एज ए निर्माण श्रमिक, जिनकी संख्या जो आधार ऑथेंटिक करके, जिनकी संख्या आधार वेरिफिकेशन के बाद 14,87,000 इस समय है। बिहार पहला राज्य है जहां 14,87,000 श्रमिक आधार लिंक से जुड़े हुए हमारे साथ। हम एक क्लिक में कल 14,87,000 लोगों के खाते में 3,000 रुपया भेज देने का काम कल ही कर दिया हम लोगों ने। ये कोरोना महामारी का जो विकराल रूप है उसको देखते हुए हम लोगों ने तुरंत निर्णय लिया कल ही, और 14,87,000 लोगों के खाते में पैसा भेज देने का काम किया। सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा, कितनी राशि टोटल होती है? 446 करोड़ राशि लगभग हम लोगों ने कल ट्रांसफर किया है अपने निबंधित श्रमिकों के खाते में। तो एक बहुत बड़ी राहत है फिलहाल जो ये कोरोना की स्थिति है उसमें, ये बहुत बड़ी राहत है। और मुझे आज बहुत जगह से फ़ोन भी आया कि पैसा जिनके खाते में जिनको मिल गया है, ऐसे कुछ श्रमिक भाई फ़ोन भी किए, प्रसन्नता भी जाहिर किया उन्होंने। तो हम समझते हैं कि इस समय जो विकराल परिस्थिति है कोरोना का, उसमें कहीं ना कहीं ये उनके हित में हुआ है और वो प्रसन्न भी है। आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि श्रमिकों के खाते में पैसा गया है कि नहीं, आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं अपने स्तर से या फिर वो नहीं करवा रहे हैं? और चूंकि सिस्टम बिहार का ऐसा है, इस समय हम लोग पिछले 2-3 महीने से इसको इतना उम्दा बनाए हैं कि आप जान लीजिए कि आने वाले दिनों में 1 मई से बिहार में श्रम संसाधन विभाग में कोई भी काम ऑफलाइन नहीं रह जाएगा पैसे से संबंधित। कोई भी लेन देन ट्रांजेक्शन जो श्रमिकों के फायदे में है, श्रमिकों के लिए घोषित है, वह 1 मई से हम लोगों ने निश्चय किया है कि सब कुछ हम लोग ऑनलाइन करेंगे। और किसी भी श्रमिक का कोई भी डिमांड अगर जेनून है तो 30 दिन के अंदर हम उनके खाते में पैसा भेजेंगे, ये भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पिछले साल अगर देखें तो हम लोग कोरोना काल में 11,09,000 लोगों के खाते में सीधा DBT के माध्यम से पैसा भेजे थे। चूँकि हमारे पास उस समय तक 11,09,000 लोगों का ही डाटा आधार से लिंक था, और पिछले 100 दिनों में हमने 3 लाख और लोगों को आधार से लिंक किया है, मतलब लगभग 4 लाख लोगों को, माने 3,85,000 लोगों को लगभग हमने आधार लिंक करने का काम किया है। तो अभी कुल मिलाकर के 14,87,000 लोग बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग से निबंधित हैं श्रमिक। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि कल हमने एक क्लिक से 14,87,000 लोगों के खाते में पैसा भेज दिया है, जिसकी पुष्टि भी हो गई। ABP News आपको रखे आगे।